नमस्कार दोस्तों, कार पॉइंट हिंदी के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गिरीश। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक सामान्य सी जानकारी देने जा रहा हूं एक्सीलरेटर पेडल से रिलेटेड। जिन कार में दोस्तों क्रूज कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है, तो उन कार को जब हम लंबे समय तक ड्राइव करते हैं या लॉन्ग जर्नी पर ले जाते हैं और आपको आदत नहीं है लंबे समय तक अपनी कार ड्राइव करने की, तो आपका जो राइट पैर होता है उसमें दर्द होने लग जाता है और आपको थकावट भी महसूस होने लग जाती है। तो आज मैं आपको परफेक्ट तरीका बताऊंगा कि अपनी कार का एक्सीलेटर पेडल है वो आपको किस तरह से प्रेस करना है, जो आपका पैर है वो एक्सीलेटर पर किस तरह से रखना है। स्पेशली दोस्तों, जो सेडान और हैचबैक कार होती है उनमें ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एसयूवी जो होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है। हालांकि स्पेस देखा जाए तो सेडान और हैचबैक में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जो हैचबैक और सेडान कार होती है उसमें जो फ्रंट टायर होता है उसके लिए यहाँ प्रॉपर जगह के लिए एक बम्प दिया होता है। आप सभी हैचबैक और सेडान कार में ये बम्प देखेंगे, जिससे क्या होता है, इस तरफ का जो स्पेस होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और जो एसयूवी होती है उसमें ये बम्प आपको नहीं मिलता, हालाँकि कुछ एसयूवी में ये मिलता है, उसमें जगह फिर भी बच जाती है। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा, जो एक्सीलेटर पेडल होता है वो अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में एक्सीलेटर पेडल जो होता है वो छोटा सा दिया होता है, किसी में थोड़ा बड़ा दिया रहता है। और जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उसमें नीचे से आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर होता है उसमें आपको प्रेशर कम लगाना पड़ता है। और जो मैनुअल एक्सीलेटर पेडल होता है उसमें वायर सिस्टम जो होता है उसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है। और आजकल तो जो बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही हैं, जैसे कि हैवी व्हीकल आ रहे हैं, ट्रक वगैरह, उनमें अलग तरह का एक्सीलेटर पेडल दिया होता है जो कि नीचे से आता है। तो अभी हम कार की बात कर रहे हैं, तो कार में क्या होता है दोस्तों, इसी तरह का एक्सीलेटर पेडल दिया होता है। और जब हम अपनी कार को ड्राइव करते हैं कंटिन्यू, तो हमें अपने जो पैर है वो इस तरह से रखना पड़ता है। और इस तरह से हम अपनी कार को ड्राइव जब करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो राइट लेग है वो दर्द करने लग जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए एक सामान्य सा तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपका पैर है वो एकदम पूरी तरह से एक्सीलेटर पेडल पे नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप जो पैर रखते हैं एक्सीलेटर पेडल पे वो पूरा इस तरह से ना रखें। ठीक है, ये इस तरह से आप अगर पैर रखेंगे तो क्या होगा, आपका जो पूरा पैर का वेट है वो आपकी हील पे आ रहा है। ठीक है, आपने अगर दोस्तों शूज या स्लीपर पहने हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो पैर है उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलता है, लेकिन हील पर आपका जो पूरे पैर का अगला हिस्सा होता है उसका वेट आ रहा होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कि आपको पैर जो है ना वो थोड़ा सा रखना है एक्सीलेटर पे, यानी कि जो एक्सीलेटर पेडल है उसको केवल हाफ तक पैर रखना है, ना कि इस तरह से। थोड़ा सा पैर रखेंगे तो नीचे का जो सपोर्ट होता है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, आपको जो पैर रखना है वो थोड़ा तिरछा रखना है, अंदर की तरफ घुमाकर रखना है। ठीक है, इस तरह से आप जो दोनों पैर की डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस तरह से रखनी है, ना कि आपको इस तरह से सीधे रखना है, ना कि इस तरह से रखना है। तो जो परफेक्ट पैर रखने का तरीका है वो ये है। ठीक है, आपको ये और एक चीज़ और, जो आपके पैर का अंगूठा है उससे एक्सीलेटर पेडल प्रेस नहीं करना, आपको जो ये हिस्सा होता है इससे आपको एक्सीलेटर का पेडल प्रेस करना है, इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके अंगूठे पे लोड नहीं पड़ेगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी कार को ड्राइव करें जिनमें क्रूज कंट्रोल सिस्टम नहीं है, तो उसमें आप अपना पैर इस तरह से तिरछा रखें, ना कि सीधा रखें, और ना ही आप पूरी तरह से पैर इस पर रखें, और ना ही आप इस तरह से रखें। तो आप इस तरह से पैर रखें जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, और आप इसको अगर ट्राई करके देखेंगे तो निश्चित ही आपके जो पैर है उसमें दर्द नहीं होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।